मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इस समय परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है और हमारा दिमाग सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। अधिकांशतः विद्यार्थी सोचते हैं कि काश हमें वह प्रश्न मिल जाए जो परीक्षा में आते ही रहते हैं, और या जो परीक्षा में इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो अधिकांशतः परीक्षाओं में आते रहते हैं और आएंगे भी। ये भी मान के चलिए कि आपकी जो आगामी परीक्षा है, जो आने वाली परीक्षा है, उसमें से जरूर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। अगर आपने इनको याद कर लिया अच्छे तरीका से, तो अभी काफी समय है, आप जब तक इनको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले लिखा मैंने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10, यानी कक्षा 10 से संबंधित क्वेश्चन है, और कौन से हैं लॉन्ग आंसर। जो लॉन्ग आंसर अधिकांशतः परीक्षा में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं, अगर आपने इनमें से याद कर लिया तो समझ लीजिए आप अच्छे से लॉन्ग आंसर लिख लोगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण। ठीक है, लेंचो का चरित्र चित्रण जरूर आता रहता है, ये बहुत पुराना पाठ है, पूरा सिलेबस बदल गया, कोर्स बदल गया, लेसन बदल गए, लेकिन अगर नहीं बदला तो लेंचो वाला पाठ, लेंचो वाले पाठ से, लेसन से आपका कैरेक्टर स्केच जरूर पूछा जाएगा। और अगर कैरेक्टर स्केच नहीं भी आता है तो आपका एक पेसेज जरूर आएगा, नोट कर लीजिएगा। लेंचो यानी कि जो पहला पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ ना कुछ तो आना ही है, ये मान के चलिएगा आप। आगे देखें, आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, आप इसको भी देख लें, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज लाइफ। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला साहब का जो पाठ है, दूसरा पाठ आपने देखा होगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तो भैया कुछ ना कुछ आता ही रहता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द डिफिकल्टी फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा किन परेशानियों का सामना किया गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों में से अगर याद कर लोगे तो अधिकांशतः इन्हीं में से हो जाता है, इन्हीं में से आ जाता है। आप इसको भी देख लें कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ, या हाउ डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। तो एनी फ्रैंक वाला जो लेसन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने तीनों को याद कर लिया, कर भी सकते हैं आप, उतना समय भी है अभी आप लोगों के पास, अभी आप लोगों के पास इतना समय भी है। हाँ, और एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो मैंने देख लिए हैं और, लेकिन मैं कहीं गाइड में देखता हूँ, कहीं किताब में देखता हूँ, कभी विद्यालय की लिखी हुई कॉपी में देखता हूँ, तो वो लॉन्ग आंसर मुझे याद ही नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आपके पास है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा लॉन्ग आंसर मैं आप तक भेज दूं, आप देखते ही देखते उसको याद कर लेंगे, मेरी गारंटी है। मतलब आप उसको देखते ही देखते, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा उसको, थोड़ा बहुत पढ़ते ही पढ़ते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे दिया गया, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बल्ली, तो बल्ली का चरित्र चित्रण भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम जो क्वेश्चन है, जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है अंतिम पार्ट से, कि व्हाई वाज कीसा गोमती इन सो मच ग्रिफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जो बिल्कुल आता है। ठीक है, और पांचों को आप देख लीजिएगा, इनमें से आपको बिल्कुल मतलब यही मिल भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा आप पेपर ढूंढ के, जो पुराना पेपर है उसको आप देखिए, उसमें आपको यही मिलेंगे। ठीक है, वो आने वाले परीक्षाओं में भी इन्हीं से पूछा जाएगा, इन्हीं से। भाई आएगा कहाँ से, आएगा तो पाठ से ही ना, और क्वेश्चन कौन से रहेंगे जो पाठ में दिए गए हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से याद करते हैं तो आपको जरूर इनसे मदद मिलेगी, और जब मदद मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि परीक्षा में आए या नहीं आए, आप खुद देख लेना। ठीक है, चलिएगा, और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं।